मॉरेटोरियम से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, उसी लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर आपको कहा है कि आप अपनी बातों को सामने रखो, क्योंकि आपकी बातों को सामने रखने के लिए कोई भी नहीं। अगर आप अपनी बातों को सामने नहीं रखोगे तो शायद आपको ज़रूरत होते हुए भी शायद आप वो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन हो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मॉरेटोरियम की। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके साथ बहुत तरह की परेशानी है, पर आपको मॉरेटोरियम नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री और RBI को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 31 अगस्त 2021 तक मॉरेटोरियम की मांग की। ये मांग बहुत ज़्यादा वैलिड है और इस पर ध्यान भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं मांग कर रहा है, ये पूरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मांग कर रहा है RBI और बैंक से। इस पर उनको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मॉरेटोरियम प्रोवाइड किया जाएगा तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए और सभी बॉरोवर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। पर यहाँ पर परेशानी क्या होती, अभी मैंने पिछले दिनों बताया था ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, इन्होंने भी एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मॉरेटोरियम की मांग की थी। यहाँ पे आपकी मांग और इनके मांग में क्या फ़र्क होता है? जब ये लोग डिमांड करते तो इनका एक पूरा एसोसिएशन होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हुआ कि सब तरह के कोई ना कोई एसोसिएशन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी होते हैं। पर एक आम आदमी जो अपने ज़रूरत के लिए 1 लाख 2 लाख का जब लोन लेता है तो उनकी बातों को कौन सामने रखे? विशाल तिवारी जी अक्सर ये काम करते हैं, PIL दायर करते रहते हैं, पर इससे ज़्यादा फायदा होता नहीं दिखता। तो मैंने अक्सर कहा है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर आप अपनी बातों को रखो। बोलने का मतलब क्या होता है आप इसको समझिए। देश में जो कोरोना के कारण हालात है, आप अक्सर देख रहे होंगे जब फेसबुक आप खोलते हो, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो, तो कहीं ना कहीं कोरोना की न्यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या इतना ज़्यादा दिखाया जाता है कि पब्लिक का ध्यान उस पर जाए। और जितने भी मीडिया हाउसेस हैं ज़्यादातर इसी न्यूज़ को कवर करते हैं क्योंकि वहाँ पे TRP अच्छा है। पर आपकी बातों को कौन रखेगा? तो ज़रूरी ये है कि आप अपने बातों को खुद सामने रखो, और मेरे द्वारा भी आप रख सकते हो। मैंने अक्सर बोला है कि जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी हमारा परिवार 41,000 का है, मैं सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि अगर आप Hitme05 से जुड़े हो, अगर मैं अपनी बातों को रखता हूँ तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या होता है कि कितने लोगों का बात जाएगा। अगर हम बड़े होते हैं तो आपकी बातों को भी उतने बड़ा स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, पर ये आप पर निर्भर करता है आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो कि नहीं, ये अलग बात है। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप अपनी बातों को सामने रखो। WhatsApp पे रख सकते हो, Twitter पे रख सकते हो, Instagram पे रख सकते हो। आपके मन में हमेशा एक सवाल आएगा कि मेरे बात रखने से क्या होगा, मैं अकेला क्या कर लूँगा। प्रयास कीजिए, मैं अकेला क्या कर लूँगा। मैं अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न ये नहीं होता, आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ करता रहूँगा। जब मेरे 1,000 सब्सक्राइबर थे या अभी 40,000 सब्सक्राइबर है, यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप अपने काम को करते रहो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है, उम्मीद मत हारिए और मॉरेटोरियम मिलेगा। ये सिर्फ मॉरेटोरियम की बात नहीं है, हर वो चीज़ जिससे आपको फ़र्क पड़ता है उसको आप सोशल मीडिया हैंडल पे रखिए। सोशल मीडिया जो होता है वो सिर्फ नाच गाने के लिए नहीं, आपके परेशानी के लिए भी होता है। फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, अगर कोई परेशानी होता है तो आप हमसे पूछिए। अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। पर आप अपनी बातों को रखिए, और जो भी लोग अपने बातों को नहीं रख पा रहे हैं आप कमेंट करके मुझे बताइए। आप हम आपको अपने व्हाट्सएप नंबर का यहाँ पे दे देंगे, आप उस पर अपने छोटे छोटे वीडियो बना के भी डाल सकते हो। मैं उन वीडियो को अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा और आपके परेशानी को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो बढ़िया सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।